सुश्री रोशनी अंजान जी और उनकी पार्टी के सभी सक्षम कलाकारों का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में हमारे गुप्ता भैया जी, गुप्ता साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े हर्ष के साथ एक और कलाकार ही आप इन्हें माने, सम्मानी भैया हमारे KS म्यूजिक चैनल से आए संजय भैया हमारे, आपका भी हृदय से स्वागत, आभार अभिनंदन है। आप यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद है। आपके YouTube के माध्यम से ये कार्यक्रम देश विदेश में प्रसारित होगा, प्रचारित होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको व्यापित कर रही हूँ। ये नव वर्ष, नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो, सब मंगल ही मंगल हो। कलश को भी ढेर सारा प्यार है, कलश के पूरे परिवार को हृदय से नमन है, स्वागत है सभी का। और अपनी बहन रोशनी अंजान जी को भी नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं दे रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ आपका। आराधना बहुत कम समय में पूरी करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ आप लोगों को जिसका इंतजार है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाए। कभी कभी कुछ गीत बड़े अच्छे फिल्मी दुनिया वाले भी निकालते हैं, उनमें एक गीत मुझे अच्छा लगा, उसी को मैंने वंदना के लिए चुना है। सुनाई देती है, फड़फड़ाइए नहीं, आराम से देखिए। हेलो हेलो, बीच बीच में अजीब सी आवाज ची ची सी हो रही है, उसको रोकिए। हे माँ, हे वीणा वाली मैया, आप जिस कलाकार पर जितनी दया जितनी कृपा कर देती हैं उतना उसका नाम हो जाता है। मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ, आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, उससे भी गई गुजरी हूँ माँ, लेकिन अगर तुम्हारे दरबार में आ गई हूँ, तुमने ये हक ये अधिकार दिया है कि मैं माइक पर कुछ कह सकूं, तो तुम्हारी वंदना में इतना ही कह रही हूँ माँ के जैसे मिलन बिन
जरूरत नहीं है। जब कोई शुभ काम होता है तो थोड़ा बहुत पानी जरूर बरसता है। और इंद्र भगवान प्रसन्न है बेटे, तो आप परेशान ना हो। हालांकि हमारे कानपुर में तो ओले भी गिर रहे हैं और हम जान रहे हैं सर्दी है, इसलिए थोड़ा बचना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने आप ही कार्यक्रम शुरू कर दिया कि माता रानी जहाँ कहीं हो वो कहीं ना कोई जो व्यवधान आए उसको रोक ले। तो जैसे मिलन बिन मीत अधूरा, वैसे स्वर बिन गीत अधूरा। स्वरों का संगम दे माँ, सात स्वरों का संगम दे माँ। तो माता रानी अम्बे रानी वीणा वाली सरगम दे शारदे सरगम देमा। सबक बेटे, थोड़ी कृपा हम बच्चों पर भी बरस जाए तुम्हारी तो शायद कुछ उद्धार हो जाए माँ। समय ज्यादा न लगे इसलिए आराधना की अंतिम पंक्ति माता के चरणों में रख रही हूँ। वंदना, वंदना का नाम ही है वंदना। जब तक चाहे तब तक करिए, लेकिन ज्यादा गीत हो जाए इसलिए वंदना को छोटा किए दे रही हूँ और अंतिम पंक्ति माता के चरणों में। सबक बेटे शाबाश। हे माँ, देने के लिए सब कुछ देना, लेकिन एक चीज क्रांति माला अगर आप देना भी चाहें तो नहीं मांग रही है। और क्या नहीं मांग रही है? क्या? के जीवन में ना मुझको अहम दे, जिंदगी में सब देना मां, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई घमंड मत देना ना। किसी भी चीज का घमंड मत देना माँ। तो जीवन में ना मुझको अहम दे, चाहे खुशी के बदले में गम दे। मांगता है, लेकिन मैं आज अपनी बहन रोशनी जी के लिए भी मांग रही हूँ कि प्रतियोगी को राह सुगम दे, इनको भी अच्छा रास्ता मिल जाए। अच्छा मार्ग मिले कि प्रतियोगी को राह सुगम दे, प्रतियोगी को राह सुगम दे। और बड़े होने के नाते कह रही हूँ, चाहे चाहे मुझे पथ, चाहे मुझे पथ दुर्गम दे माँ, इनको अच्छा रास्ता मिल जाए भले मुझे कांटों की सेज मिले। तो चाहे भले पथ दुर्गम दे माँ, पर माता रानी अम्बे रानी वीणा वाली सरगम दे। सरस्वती मैया की जय। बोलिए।
और प्रणाम कर रही हूँ जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम और दूर दूर तक सुना जाएगा, केएस चैनल जिनके माध्यम से अनेकों कार्यक्रम आप लोग सुनते हैं और सुनते रहेंगे। भैया संजय भैया को प्रणाम है, धन्यवाद है। आइए चल रही हूँ बहुत जल्दी में कार्यक्रम की। तो ठीक है, बस सीटी रोके रहिए भैया, सीटी को कहीं भगाओ। प्रणाम कर रही हूँ जो हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं उनकी श्री चरणों में, नमन कर रही हूँ जितने हमारे दादा लोग बैठे हैं खड़े हैं सभी को अपनी ओर से, और नमन कर रही हूँ बड़े भैया लखन भैया को। जब से तारीख निकली है तब से यही मन में बार बार बात आ रही थी कब दिन आएगा, कब गुप्ता साउंड पे गाएंगे और कब हमारे गुप्ता भैया आपको मिल जाएंगे। पूरी रात सीटी बजा। आपको भी धन्यवाद है, हमारे केएस चैनल के जो भैया जी हैं उनको भी धन्यवाद है। आइए चल रही हूँ बहुत जल्दी में शीघ्रता के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले बाबा गणेश का आवाहन किया जाता है। जय हो। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत कुछ कटौती कर रही हूँ और बस निवेदन इतना कर रही हूँ कि बाबा गणेश को एक जयकारे के माध्यम से बुलाया जाए। बिल्कुल, जिनको बाबा ने तो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, निवेदन कर रही हूँ एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए। बोल गणेश भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्ची सरकार की जय। वाह धन्यवाद है, कितने अच्छे श्रोता हैं आप। हेलो, सोनू का माइक हमारे सुधार दो। इस लड़के की सेहत देख के बढ़ाओ माइक। देखे रहना किसी तरह पकड़ के लाए लोग। क्योंकि हम कलाकार बाबा गणेश के बाद माँ बीड़ा वादनी की वंदना करते हैं, तो आइए चल रही हूँ माता रानी के दरबार में। वाह, जब भक्त दरबार में जाता है तो कहता है माँ, तुम्हारे दरबार में न जाने कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, और जो भी आता है कुछ ना कुछ आस लेके आता है। आओ माँ, कहना है माँ क्या बेटे, हम भी तुम्हारे दरबार में आ तो गए हैं मगर कुछ आस लेके आई हूँ और चाहती क्या हूँ क्या बेटे, क्या थोड़ा रोक लगा लो। सीटी को घर भेजो। कि तेरे दरबार में माँ बस यही गुजारिश है, माँ मेरी डूबती नैया को किनारा दे। अरे कलम फूल
नहीं सकती और मान चाहे तो ये हवाएं भी, मान चाहे तो ये हवाएं भी, अरे एक पत्ती हिला नहीं सकती। बहुत धन्यवाद है। और जब माँ के बिना एक भी पत्ती हिल नहीं सकती है तो वैसे नाम रखने वालों ने अनजान कर दिया है, तो इसलिए कह रही हूँ माँ तुमसे कहना क्या चाहती हूँ, तुमसे मांगना क्या चाहती हूँ। आज इस रात्र में इस पावन धरा पर मैं आ तो गई हूँ, मगर मगर कहना है माँ, अरे कल्याणी नहीं सकते हैं।
लड़ा सुनो माइक टूट चुका है, दूसरा लगाएंगे। इसका नाम है सोनू सन की उर्फ इच्छाधारी है। और क्या? आज इसकी बड़ी खोई नहीं है। रात भर में कई माइक बदलना पड़ेगा आपको। दूसरा माइक लगा दे भैया, टूट गया है ये, रुकेगा नहीं। इसके लिए मोटा माइक लाइए, हल्का माइक नहीं रुकेगा। मोहब्बत को तरस जाओगे, सादगी प्यार मोहब्बत को तरस जाओगे, अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। कुछ गलत ना लीजिएगा, कहना है कि सादगी प्यार मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि माँ का दिल टूटा तो जन्नत में तरस जाओगे। ये जल्दी माइक लगा दे, आपकी वजह से हम भी रुके पड़े। देख लीजिए मामला क्या बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, पहले चक्र में तुमने माइक उड़ा दिया। लड़का माइक तोड़ेगा बहुत। उनके लिए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ले बेटा, ये नया नोट है, पर्स में लगाना इसको। चरण चूमते हम सब तो माँ का गुणगान करते हैं, मगर ये दोहा छंद चौपाई भी माँ का ध्यान करते हैं।
जैसे बड़ी बहन ने कहा है, वंदना अगर कलाकार चाहे तो सुवेरा हो जाएगा वंदना करते करते। आइए चंद पंक्तियां और महामाई के दरबार में कहना है। ये अनजान कह रही है माँ, अरे सारे जगत करिश्मा है, कहते हैं अमर माँ की नजरों का करिश्मा है, ये ठोकरे खाया हुआ इंसान संभल जाता है। इसलिए कह रही हूँ तेरे द्वारे रोशनी अनजान की।